आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर सीएम योगी की ताजपोशी की गई। इसके साथ ही उन शादीरिकों के नाम पर भी सस्पेंस खत्म हो गया जो आने वाले 5 साल तक टीम योगी का हिस्सा रहेंगे। इन चेहरों में से कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें योगी दल से विश्राम दिया गया, तो वहीं कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार टीम में शामिल किया गया। योगी के मंत्रिमंडल में 16 कैबिनेट मंत्री, 20 राज्य मंत्री और 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए। शपथ ग्रहण से पहले सबसे बड़ा सस्पेंस केशव प्रसाद मौर्य को लेकर था, जिनके चुनाव हारने के बाद भी सारी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन शुक्रवार को उन्हें न सिर्फ दोबारा डिप्टी सीएम चुना गया बल्कि उनका पुराना विभाग भी केशव प्रसाद मौर्य को मिला। उत्तर प्रदेश में भगवा चारों तरफ लहरा रहा था। हर योगी योगी के नारे गूंज रहे थे जिसमें जनता को प्रदेश के मुखिया से विकास की आस है। ये शपथ भी उन वादों को लेकर है जो चुनाव में विजय से पहले जनता के बीच जाकर किया गया, यानी मैनिफेस्टो से लेकर जो जनता को उम्मीद है अब उसका शपथ ग्रहण हुआ है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी की पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने 2022 के सबसे बड़े चुनावी हथियार पर जोर दिया है, जहां इस बैठक में सरकार ने फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, इसलिए सरकार हर उन मुद्दों पर जोर देने की तैयारी कर रही है जिनके बलबूते यूपी के सियासी जंग में फतह हासिल की जा सके, जिनके दम पर 2024 की फाइनल जंग जीती जानी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुफ्त सरकारी राशन, बिजली, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है, जिनको लेकर जनता ने सरकार पर एक बार फिर से भरोसा जताया और प्रदेश की सत्ता का सिरमौर चुना। वहीं 2022 की इस नई टीम के साथ योगी सरकार के सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौतियां भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रदेश में आवारा पशुओं के इंतजाम की, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष चुनाव के दौरान सरकार पर लगातार हमला बोलता रहा, तो वहीं अखिलेश यादव ने कई ट्वीट भी किए, तो ओम प्रकाश राजभर भी आवारा पशुओं को लेकर योगी सरकार को लगातार हमला करते रहे, हमलावर रहे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश में आवारा पशुओं के पुख्ता इंतजाम की बात भी कर चुके हैं। तो कई चुनौतियां हैं जिन पर इस बार योगी सरकार को ध्यान देना है। दूसरा कार्यकाल है जो कि शुरू हो चुका है और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अब इस सरकार में जो नए मंत्री चुने गए हैं उनका काम कैसा रहने वाला है, जिन चेहरों को हटाया गया है, जिनको रिप्लेस किया गया है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या रही है, कौन कौन सी चुनौती रहेंगी और कौन कौन सी जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं जनता की, उस पर खरी उतरेगी सरकार, इसी पे आज हम करेंगे वीकेंड चर्चा। और इस वीकेंड चर्चा में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद अहमद जी, और नावेश शिको जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल मेरा नावेश शिको जी से। नावेश शिको जी, जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है सीएम योगी समेत जो 52 मंत्रियों ने कल शपथ ली है, किस तरह से देखते हैं, जिन चेहरों को हटाया गया है, नए चेहरों पे भरोसा जताया गया है, तो क्या ये चेहरे खरा उतरेंगे जनता की उम्मीदों पे और 2024 में इसका क्या असर पड़ने वाला है? बहुत लंबे मंथन और बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श के बाद में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने मिलजुल कर ये तय किया है। मैं समझता हूँ एक बहुत ही संतुलित चयन हुआ है और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, धर्म और जाति का ध्यान रखा गया है और लिंग का, महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, युवाओं को भी शामिल किया गया है और अनुभवी लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। मैं समझता हूँ कि भाजपा ने अच्छी कोशिश की है और अच्छा संतुलन बना के रखा है। कुछ पुराने चेहरे अब नहीं है इस मंत्रिमंडल में, हो सकता है कि उनकी कोई कमियां हो और ये भी हो सकता है कि आगे उनको संगठन में और इससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन कुल मिला के अब कुछ नहीं कहा जा सकता, काम बोलता है और अगर वो काम अच्छा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी मंत्रिमंडल तैयार किया गया वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए
आप फायदेमंद है, और अगर काम नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जितने बड़े चेहरे हों, जितना अच्छा चयन हो, जितने दिन तक मंथन होने के बाद ये मंत्रिमंडल तैयार किया गया हो, उसको लोग नहीं पसंद करेंगे। हमारी और आपकी आशा तो यही है कि बहुत अच्छा काम होगा, और इस उम्मीद के साथ कि योगी का ये दूसरी कार्यकाल जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत फायदेमंद होगा, हम सबकी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, हर कोई शुभकामनाएं दे रहा है। अश्विनी शाही जी, जिस तरह से ये सरकार का गठन किया गया है, इसमें महिलाएं भी हैं और हर वर्ग विशेष का ध्यान दिया गया है, तो इसको किस तरह से देखते? कई दिनों तक मंथन चला है, दिल्ली से लेकर यूपी तक बैठकों का दौर चला और आखिरी समय तक बैठक चला, और ये भी देखने को मिला कि पहले रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया, उसके बाद टिकट बांटे गए, टिकट बांटने के बाद भी जो लोग चुने गए हैं उनमें भी मंथन करने के बाद सबको कुर्सी दी गई है, अभी भी विभाग तय नहीं हुआ है, लेकिन जिम्मेदार इस बार कितनी चुनौतीपूर्ण रहेगी बीजेपी के सभी मंत्रियों के लिए? शिखा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, अकेली पार्टी है जिसमें जिसको भी जिस कुर्सी पर बैठाया जाता है उसके लिए वो पद नहीं होता है, उसके लिए वो जिम्मेदारी का भार होता है जी। वो ये नहीं है कि सिर्फ वो मंत्री पद पर बैठाए गए हैं, वो एक कार्यकर्ता की हैसियत से है और उन विधायक जीत कर आए, उनको मंथन करने के बाद आगे भविष्य में इनके द्वारा ही हमको पार्टी चलानी है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ हमेशा अकेली पार्टी है जो कि दूसरी और तीसरी लाइन तैयार करती है, जिसमें हमने देखिए इस बार जो हमने अनुभव को भी तरजीह दी है और हमने युवा चेहरों को भी रखा है अपने साथ, तो दोनों का सम्मिश्रण जो हुआ है, इससे आने वाले दिनों में कुछ नाम आपको ऐसे शिखा जी मिलेंगे जो चौंकाने वाले हैं, जिनका जिनके बारे में आपको पता नहीं है, उनके उनका जो है आपको पता करना पड़ेगा कि इनका प्रोफाइल क्या है। तो ऐसे भी लोग, स्कूटर और मोटरसाइकिल बनाने वाले मिस्त्री को हम विधायक जनता बनाती है और उसको हम मंत्री बनाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष है, सिर्फ इसी सदन का सदस्य नहीं बनारस से है, उनके काम पर उनको मंत्री बनाया गया। बलिया से एक जो है हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के भाई आजाद जी आते हैं, उनको जो है हम लोगों ने मंत्री बनाया। तो ये यहाँ पर काम की पूजा होती है, यहाँ पर ये नहीं है कि यह परिवारवाद है और ये वाद है वो वाद है, बड़े बड़े नाम छूट गए, बड़े बड़े सुरमा छूट गए, सब पर मंथन होता है कि पार्टी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए क्या करना चाहिए। अब ये लोग जितना नेगेटिव नैरेटिव सेट करना था जावेद भाई की पार्टी ने किया, बाकी और दलों ने किया, करते रहे, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। जनता ने सुरक्षा को तरजीह दी, जनता ने राशन को तरजीह दी, जनता ने अच्छे शासन को तरजीह दी, जनता ने योगी आदित्यनाथ, कर्म योगी आदित्यनाथ को तरजीह दी कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। और स्थितियां इतनी बेहतर हो गई हैं कि अब आने वाले दिनों में हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई दो चार चुनाव भी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का पीछा कर पाएगी, क्योंकि हम जो कह रहे हैं उसको करते हैं। ये लोग सिर्फ अभी सड़क हाईवे से नहीं उतर पाए हैं, लखनऊ आगरा हाईवे से, अखिलेश जी अब तो खैर आज परिवार में फूट और दोबारा पड़ गई जिस तरीके से। जी बिल्कुल जावेद जी, मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी और सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से इस बार कड़ी टक्कर दी सपा ने बीजेपी को और अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, जिस तरह से मंत्रियों ने शपथ ले ली है, किस तरह से देखते हैं जो चयन किया गया है, इतनी रणनीति बनाने के बाद जिन चेहरों को चुना गया है, क्या सपा को लगता है कि वो अपना काम अच्छे से निभा पाएंगे? 5 साल का हमने कार्यकाल बीजेपी का देखा, आने वाला जो 5 साल है तो उसमें किस तरह से देखते हैं, क्या ये अच्छा काम हो पाएगा? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तैयार किया उसके बाद ही सभी चेहरों को चुना गया है ताकि जनता को किसी असुविधा का सामना ना हो, और विपक्ष के तौर पर सपा भी यही चाहती है, हर एक मुद्दे को उठाती है कि सरकार अच्छे से काम करे, तो किस तरह से आप नए मंत्रिमंडल को देखते हैं? शिखा जी, पिछली सरकार भी योगी जी के नेतृत्व की देखी है जी, जो जनता से किए गए संकल्प को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन जनता ने पुनः उनको जनादेश दिया है, किन कारणों से दिया है, जबकि वो 2017 के संकल्प पत्र पर चर्चा पूरे चुनाव में नहीं की, 7 चरणों में 4-7 तरीके की वो बातें की गई जिससे किसी न किसी आधार पर मतों का ध्रुवीकरण किया जाए, लेकिन वो जीत के आए हैं अश्वनी भाई, उनको बधाई, उनकी पार्टी को बधाई, नए मंत्रिमंडल को बधाई। इस मंत्रिमंडल में एक दो हमारे मित्र भी हैं, बचपन के साथी हैं, हम उनको भी जानते हैं, लेकिन आज सवाल इस बात का है, अभी जो आपने शुरुआत की शिखा जी, कि 3 महीने के लिए राशन फिर बढ़ा दिया गया है, क्या ये मतदान के एवज में दिया गया इनाम है, या योगी कैबिनेट ये महसूस करती है
कि उत्तर प्रदेश में जिन 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का वो बात कर रहे हैं, क्या वो अगले 3 महीने में उनके हाथों में काम आ जाएगा? वो आज लेकिन अगर ये राशन की जो अवधि है अगर उसको ना बढ़ाया गया होता तब भी तो यही आप कहते हैं विपक्ष के तौर पे, किसी भी चुनाव तक किसी भी तरह जैसे पहले भी कहा जा रहा था। अरे आप मेरी बात को तो सुन लीजिए, उसके बाद आप टिप्पणी कीजिए। आप भाजपा का पक्ष रखिए, हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं, मैं पक्ष किसी का नहीं रख रही। नहीं, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, क्या अगले 3 महीने में राशन जब योगी जी की सरकार दे देगी तो उस 3 महीने के बाद उनके हाथ में काम होगा, वो रोजगार उनको मिल जाएगा, वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे और उनको मुफ्त अनाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? मेरा सवाल तो इस बात का है। योगी जी ने कहा था कि हम किसानों को 5 साल और विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली का बिल हाफ करेंगे। उस पर कैबिनेट ने चर्चा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करना चाहती, केवल चुनाव का मुद्दा बनाकर अगर आप लोगों को भ्रमित करते हैं तो कोई बात नहीं। हमको जनता ने विपक्ष में बैठने और सरकार की निगरानी करने का जनादेश दिया है। हम उस जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए पूरी तरीके से सरकार की निगरानी करेंगे और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करने का काम करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को संरक्षण मिल सके, एक सकारात्मक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जो मानक होता है विपक्ष का, उसके अनुसार हम सदन और सदन के बाहर सवालों को उठाने का काम करेंगे। जहां गुण दोष के आधार पर सरकार अच्छा काम करेगी उसकी प्रशंसा होगी, और जहां वो जन सरोकार से हटकर वो दूसरे हितों के लिए काम करेगी निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। जी, तो बिल्कुल विपक्ष में बैठने का मौका दिया है और आपसे उम्मीद भी यही करी जा रही है कि आप हर एक मुद्दे को उठाएंगे जनता के। नावेश शिको जी, हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे मतलब कि इतने दिनों की चर्चा के बाद, बैठकों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, बड़े बड़े चेहरों को हटाया भी गया और कुछ चेहरों को लाया भी गया। तो अब उन चेहरों पे भी चर्चा करते हैं जिनको हटा दिया गया है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हटाया गया है, वो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, आबकारी मंत्री हो, या फिर जो है अगर बात करी जाए तो कई ऐसे मंत्री हैं जो कि काफी करीबी भी रहे हैं, वो चाहे श्रीकांत शर्मा हो, महेंद्र सिंह हो। तो इनको हटाने के पीछे की वजह क्या मानी जा रही है, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा कार्यकाल निभाया, हालांकि आरोप भी इनके ऊपर कई लगे हैं, तो क्या आरोपों की ही वजह है कि जो इनकी छवि खराब हो रही थी इसे देखते हुए इन्हें बदला गया है? जी, बहुत अच्छे खासे और बड़े चेहरे हटाए गए हैं, अनुभवी लोग हटाए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी पर जो थे और उम्मीद थी कि वो रिपीट होंगे वो हटाए गए हैं। ये चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन दो ही तीन बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि कहीं ना कहीं सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उनका रिपोर्ट कार्ड बेहतर नहीं लगा हो, उनके नंबर्स कम हो और कुछ ना कुछ उनमें कमियां हो, नंबर एक। दूसरी चीज के कहीं ना कहीं कोई गंभीर आरोप हो जो किसी जांच एजेंसी के पास अभी नहीं आए हो, लेकिन वो पार्टी नेतृत्व के पास पहुंच गए, नंबर दो। नंबर तीन बात पे हम ये आते हैं, वो बात को हम सकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हर एक बिंदु को मेरा मानना है कि हर नजरिए से देखना चाहिए। बिल्कुल, अगर इसकी बात हम करेंगे तो ये तो नकारात्मक पहलू हो गए। सकारात्मक पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, इस बात को विरोधी भी स्वीकार करते हैं। उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी बेहतर है, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उनकी समीक्षाएं, उनका मंथन, उनका चिंतन अन्य राजनीतिक दलों से बेहतर तरीके से होता है, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से होता है। हो सकता है कि उनको संगठन के, जो मैंने शुरू में भी कहा कि और भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, संगठन में काम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में सरकार से ज्यादा ताकत संगठन में रहने वालों की होती है। दूसरी चीज, ये दुनिया का रिवाज है, काम करने का तरीका भी है। आप आज एंकरिंग कर रही हो, बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही हो, एज अ एंकर आपको बहुत लोग पसंद करते होंगे, लेकिन आपका संस्थान हो सकता है आपको फील्ड रिपोर्टिंग के लिए भी भेज दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अच्छी एंकरिंग नहीं की, आप फील्ड रिपोर्टिंग भी अच्छी कर सकते हो सकता है। तो ये एक तरीका, उसके कई अलग अलग बिंदु है, कुछ सकारात्मक है कुछ नकारात्मक है। ये हो सकता है कि संगठन में और कामों की जरूरत हो और मुझे उनको लगता हो कि महाना जी बहुत ही जनता के बीच के नेता हैं, और हो सकता है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष पद की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और तमाम चीजें ऐसी होती हैं संगठन में, ऐसी बड़ी जिम्मेदारियां होती है जहां वरिष्ठ नेताओं की जरूरत पड़ती है, और एक नया बदलाव, एक नई भाजपा, एक नई सोच के तहत युवाओं को आगे आना,
हो सकता है कि युवाओं के अंदर एक एनर्जी जमीन पे जाने की, ग्राउंड पे जाने की ज्यादा होती है, अनुभवी लोगों को बैठ के कुछ निर्णय लेने की होती है। ये बातें तो ये मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया, लेकिन इस बहस जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठ के आया मुफ्त राशन का। मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है वो मुफ्त राशन का ही होना चाहिए और जितनी भी उस पर चर्चा हो वो कम है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण। और आज इसलिए क्योंकि आज 3 महीने बढ़ने का ऐलान हुआ है। मुफ्त राशन आज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि पूरा चुनाव जो है वो मुफ्त राशन के इर्द गिर्द घूमता रहा। पॉलिटिकल पॉइंट भी मुफ्त राशन है और सामाजिक पॉइंट भी मुफ्त राशन है। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार रिपीट हुई और उसने पहला निर्णय लिया और हर तरफ चुनावी प्रचार जिस शोर में हम लोग लगातार जिसकी चर्चा कर रहे थे चुनाव में और जिन प्रचार की और भाषणों की उसमें ये बात आ रही थी, विपक्षी खेमे से ये आवाज आ रही थी कि मुफ्त राशन बंद कर दिया जाएगा, जैसा आपने भी कहा, लेकिन वो बंद नहीं किया गया। ये अच्छी बात है, उसको 3 महीने बढ़ाया गया, ये भी अच्छी बात है। अगर साल भर बढ़ा देते, 6 महीने बढ़ा देते तो और अच्छी बात थी। लेकिन एक बात पर चर्चा मैं समझता हूँ कि सबको करना चाहिए है, मुफ्त राशन अगर कोई जनहित के लिए कोई सरकार बांट रही है तो इसके खिलाफ तो कोई नहीं बोल सकता, सब लोग स्वीकार करेंगे। और उसके पीछे अगर कोई पॉलिटिकल लाइन है ये भी बुरी बात नहीं है। अगर हम राजनीति, वही मैं कहना चाह रही थी कि अगर राशन की जो मुफ्त राशन की अवधि अगर उसे ना बढ़ाया जाता तो विपक्ष तब भी यही कहता कि चुनावी एजेंडा था, सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहा और उसके बाद उस जो काम था उसको खत्म कर दिया गया। जी नामेश जी, एक चीज और भी है कि जिस तरह से कई बड़े चेहरों को हटाया गया है, उनका नाम हटा दिया गया है, तो क्या इस बार जिस तरह से केंद्र ने अपनी इस मंत्रिमंडल में भूमिका निभाई है, केंद्र के साथ जितनी बैठकें हुई हैं, तो क्या ये इसका भी परिणाम है? हालांकि उनके पद को तो बढ़ाया जा रहा है लेकिन केंद्र की कितनी भूमिका देखते हैं आप इस निर्णय में? देखिए आप मीडिया के जो लोग हैं जाहिर सी बात है कि उनको कुछ अलग हटके अलग अलग विषयों पर बात करने की उनकी जरूरत होती है, उनकी टीआरपी के लिए लीग से अलग हटके। और मैं समझता हूं कि आप भी उस चर्चा को उस मोड़ पे ले जाना चाहती हो जहां पर आपको लगे कि एक नए कंटेंट पे बात हो रही है और अभी तक उस पर चर्चा नहीं हुई। हमें याद है 6 महीने पहले 7 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान हो गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में भी एक चिंता का विषय हो गया था कि तमाम मीडिया पे सोशल मीडिया पे जो खबरें लगातार चल रही थी कि साहब केंद्र और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के बीच में कुछ है जी। वो अब उतना बड़ी तेजी से तो वो चर्चाएं अब मुखर नहीं हो पा जी कि हम कहीं ना कहीं कंपेयर वहां पे करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी जी के जो पसंद नहीं करने वाले लोग हैं उनको केंद्र के दबाव में यहाँ पर शामिल कर दिया गया है और वो लोग जो होना चाहिए थे तो उनको हटा दिया गया। इस तरह की चर्चाएं हो सकती हैं, मैं समझता हूँ शायद टीआरपी भी मिल जाए और एक राजनीतिक में एक नए ग्लैमर चीज को उठाने की, क्योंकि हर एक चीज को बारीकी से देखना भी बहुत जरूरी है, जनता को दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि जो लगातार बैठकें हुई है दिल्ली से लेकर यूपी तक, लगातार अमित शाह का आना, योगी आदित्यनाथ का दिल्ली जाना, तो ये तमाम चीजें रही हैं और केंद्र का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इसको देखना भी काफी जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रही हूँ, मैं यही मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उसकी बड़ी कमांड जो है वो देश के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके हाथ में है। बहुत सारे फैसले, छोटे बड़े फैसले लोकसभा चुनाव तक कम से कम उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के तहत होंगे और बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जो उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश सरकार के अपने हाथ से फैसले नहीं ले सकता है। मैं समझता हूँ कि ये बात एक अच्छे पत्रकार होने के नाते आपने ये बात उठाई है और इस पर आपको चर्चा भी करना चाहिए, मैं इस पर कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ। और ये बात सच भी है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार का सीधा अटैचमेंट हाईकमान से होगा, कई बड़े छोटे फैसले वहीं से होंगे और यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ डिपार्टमेंट सिर्फ एक शोपीस की तरह। जी अश्विनी जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसमें काफी इन्वॉल्वमेंट रही है केंद्र की, केंद्र ने जिस तरह से चाहे वो चुनावी प्रचार हो या फिर मंत्रियों के नाम पे मोहर लगाना हो, लगातार बैठकें देखने को मिली और आने वाले समय में 2024 में जिस तरह से केंद्र का चुनाव है तो काफी अहम हो जाता है, काफी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, तो केंद्र की जो इन्वॉल्वमेंट है और इसका असर कितना पड़ने वाला है आगामी चुनाव पे? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ प्रदेश से लेकर और केंद्रीय नेतृत्व तक मिल बैठकर सारी
चीजें तय करते हैं। जी। तो ये आपका कयास हो सकता है और आपका एक आकलन हो सकता है कि किस लिए बैठक हुई, क्या हुआ और ये प्रॉब्लम है क्या नहीं, ये हर व्यक्ति का अपना अलग अलग हो सकता है, मगर पार्टी उसको किस नजरिए से देखती है ये महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा और केंद्र का क्या सामंजस्य है, कैसे केंद्र को हम बताते हैं यहाँ से कि हाँ ये है हमारा मंत्रिमंडल, ऐसे होगा, हमारे लोग इनको हटाने लायक है, इनको रखने लायक है, सारी चीजें केंद्र के सामने रहती हैं और सारा रिपोर्टिंग रहती है कि केंद्र के सामने उत्तर प्रदेश की चाहे जितने भी राज्यों में हमारी सरकार चल रही है सबकी वहां रिपोर्टिंग रहती है, वहां से जो निर्देश के हिसाब से भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि हम अपना अपने आप से सारी चीजें कर लें, तो ये मिलजुल कर एक सामूहिक फैसला होता है जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का होता है, तो इसको इस तरीके से देखा जाए। चुनावी जहां तक आपने कहा 24 के चुनाव की बात, जबकि अभी हमने 17 का चुनाव लड़ा, 19 का जो है चुनाव उसमें माननीय मोदी जी ने भी कहा भी था कि हमारे 19 की नींव तो 17 में पड़ गई थी, तो अब 24 की नींव 22 में पड़ चुकी है, अब है कौन हमारे सामने, समाजवादी पार्टी अपना एक्सट्रीम कर चुकी और आज चाचा को मैं पहले भी कह रहा था लेकिन चाचा को बेइज्जत करते करते आज उनको तो रुला दिया इन लोगों ने, उनको बेचारे को बैठक में नहीं बुलाया गया, 100 सीट पर वो प्रत्याशी खड़ा कर चुके थे, अब वहां पर भी कहानी खत्म है। तो समाजवादी पार्टी जो MOI लेकर चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की MOI उनसे बहुत आगे निकल चुकी है, अब उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में गुजरात के रास्ते पर है, जिस तरीके से 27 साल से गुजरात में है ऐसे भारतीय जनता पार्टी को हटाना यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चीज है कि एक डिलीवरी दे रही है, जो काम कर रही है, इन लोगों को दिखाने अभी हमें जावेद भाई कह रहे थे राशन के बारे में, कल परसों तक हमको लोग इन्हीं के दल के जो नेता आ रहे थे कांग्रेस के लोग शुभकामनाएं देते हुए कह रहे थे हम शाही जी से कहेंगे जो राशन बंद कर दिया इन लोगों ने उसको चालू किया जाए, ये गलत कर रहे हैं लोग, वहां भी सवाल आज देना शुरू किया तो जावेद भाई एक सवाल और ये उठता है कि सिर्फ 3 महीने के लिए ही क्यों बढ़ाया गया, जिस तरह से सपा कह रही थी कि हम पूरे कार्यकाल यानी 5 साल के लिए बढ़ाएंगे मुफ्त राशन की अवधि को, लेकिन सिर्फ 3 महीने ही क्यों बढ़ाया गया, क्या ये सिर्फ एक तोहफा है चुनाव जीतने का? शिखा जी देखिए ऐसा है कि ये सब सरकारों के अपने निर्णय होते हैं, पहली कैबिनेट हुई इसमें 3 महीने तो बढ़ा दिया गया ना, 90 दिन का पीरियड है, आप देखिएगा क्या सपा आएगी जीवन भर बांटेगी उसको तो जीवन भर सरकार चलाना, लेकिन मैं बताना चाहता हूं एक आपको वाकया याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और शरद पवार जी जो है उस समय वो थे कृषि मंत्री हुआ करते थे देश के, अनाज सड़ रहा था, उस समय विपक्ष ने मांग की कि सूखा और बाढ़ की स्थिति है, लेकिन शरद पवार जी ने हाथ खड़ा कर दिया था, अनाज सड़ गया उसको खूब फेंकना पड़ा, कई जगह सस्ते दामों पर बिका भी नहीं वो और राशन बर्बाद हो गया, ये कांग्रेस की नीतियां थी। आज भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हमारे कोरोना से पीड़ित जो भाई है, जो आज जो है जिनकी नौकरी चल गई, जिनकी मजदूरी हम नहीं दे पा रहे, उनको कम से कम राशन तो कम से कम दिया जाए जिससे भूख से मौत ना हो। अश्विनी जी कदम तो अच्छा है, लेकिन अभी बाकी मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे कि रोजगार और जो मैनिफेस्टो में वादे किए उसको कैसे पूरा करेंगे। जावेद जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का फैसला किया है, एक जिम्मेदार विपक्ष बनने का फैसला किया है, तो इससे आने वाले जो चुनाव है 2024 तो उस पे क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि केंद्र से तो उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी बना ली है, हालांकि वो चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन 24 पे क्या असर पड़ेगा, जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को मजबूत कर रहे हैं किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित रूप से जो जनादेश आया उसका सम्मान करते हुए और उसका जो एक संदेश है बड़ा उसको अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया है, उस चुनौती को कि जो सत्ता से लौ सके, तो सत्ता से लौने की चुनौती अखिलेश जी ने स्वीकार की, समाजवादी पार्टी के जो हमारे माननीय विधायक हैं वो सदन के अंदर उस चुनौती को स्वीकार करेंगे अखिलेश जी के नेतृत्व में जी। और पार्टियों का काम ही यही है ना कि हम जनता के सवालों पर लगातार संघर्ष करते रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के पहले नहीं करती थी क्या? क्या वो चुप बैठते थे, मौन धारण करते थे और मौन धारण करके वो समय का इंतजार करते थे? तो समय का इंतजार समाजवादी पार्टी नहीं करती है, हमें समय को अपने अनुकूल बनाना है। हो सकता है कि इस चुनाव में हम अपने मुद्दों से कभी भी नहीं डिगे और मुद्दों पर आज भी कायम है, कल भी कायम रहेंगे, हम परिस्थितियों को देखकर रंग बदलने वाले लोग नहीं है। निश्चित रूप से जो सवाल है, हो सकता है कि हम जनता के बीच में अपने मुद्दों को उस ढंग से ना ले जा पाए हो जो जनता चाहती,
लेकिन हम ध्रुवीकरण की वो नफरत भरी प्रयास भी नहीं करना चाहते थे और न करेंगे कि जिससे केवल सत्ता को हासिल किया जाए। सत्ता जन कल्याण का एक साधन हो सकती है, साध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव मशीन आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ आप की जो मुद्दे उठा रहे थे उसको उठाने में ही कमी रह गई, या फिर जिस तरह से आपके परिवार में अंदरूनी कलह विवाद देखने को मिला, इससे पहले भी शिवपाल के साथ जिस तरह से विवाद हुआ इस बार एक तो होगा, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली है उसपे क्या कहेंगे? शिवपाल ने खुद कह दिया कि पहली बैठक में ही नहीं बुलाया गया। ये देखिए, ये विधायकों का अपना फैसला है, विधानमंडल चुने तो वो आपके सिंबल पे ही गए थे, आपके सिंबल पे ही, जिस तरह से सपा के सिंबल पे उन्होंने चुनाव लड़ा शिवपाल ने, और उसके बाद जब सभी नव निर्वाचित विधायकों को बुलाया गया तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, ये आपको पता है कोई चिट्ठी है कि उनको नहीं बुलाया गया आपके पास? ये तो खुद उन्होंने कहा है ना, ये तो खुद शिवपाल का बयान था। देखिए किसने क्या कहा है, वो सपा के विधायक हैं, वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, सारी चीजें हैं। इस समय किन परिस्थितियों में किस सेनापति को बागडोर दी जाएगी ये तो पार्टी तय करेगी। अडवाणी जी को बाईपास करके जिम्मेदारी तो बात की बात है जावेद जी, लेकिन यहाँ पे तो बैठक हो रही थी नव निर्वाचित विधायकों की, यहाँ भी तो बैठक हुई थी। अडवाणी जी को कितना अपमानित किया गया था, कितना उनका अपमान हुआ था, उनका नमस्कार भी स्वीकार नहीं किया जा रहा था, ये भी तो हमने, ये देखिए पार्टी अपने हित में पार्टी किस तरीके से किसके नेतृत्व में, इतिहास को दोहराना सही है जावेद जी, इतिहास को दोहराना सही है, और वो तो अखिलेश के चाचा हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या उदाहरण जा रहे जनता के बीच, जहाँ परिवार में ही तालमेल नहीं है तो जनता के साथ कैसे तालमेल होगा? देखिए ये जो आरोप लगते हैं कि हम परिवारवादी हैं, परिवार के कितने लोग चुनाव लड़े, और यहाँ तो भाजपा में तीन तीन चार चार पीढ़ी के लोग जो है मंत्रिमंडल में है, संगठन में है, उस पर कोई सवाल नहीं करता। सवाल इस बात का है कि देखिए ये कितने किस तरीके के लोग हैं, 11 मंत्रियों को तो जनता ने निपटाया और 22 मंत्री निपट गए योगी जी के नेतृत्व वाले, क्यों निपटे, इनको क्यों नहीं मंत्रिमंडल में जगह मिली? तो ये जो सवाल है, इन सवालों का भी तो जवाब खोजना चाहिए। आप आ गए जी, मैं बोल सकता हूँ जी, अश्विनी जी आपको मौका मिलेगा जी, बोलिए अश्विनी जी। तो यहाँ सवाल इस बात का है कि कौन संघर्ष करेगा, कौन सड़क पर नेतृत्व करेगा, कौन सदन में नेतृत्व करेगा, ये तो विधानमंडल दल तय करेगा। योगी जी मंत्री अपने अपने पसंद के मंत्री बनवाने के लिए दिल्ली से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी तक दाव लगाते रहे, हम शरणम गच्छाम मोहन भागवत, हम शरणम गच्छाम नरेंद्र मोदी जी, लेकिन मोदी जी ने नहीं सुनी। जो लोग नामांकन से एक दिन पूर्व भाजपा में शामिल हुए वो मंत्रिमंडल में शामिल कर किए गए, क्यों किए गए? वो इसलिए किए गए कि इस मंत्रिमंडल का काम जन सरोकार से जोड़कर काम करना नहीं है। 2024 में किसी तरीके से ये फर्जी सोशल इंजीनियरिंग, जिसका जो है सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं, उसकी अवधारणा को जिस पार्टी ने सुन लीजिए दूसरी किया है, उस समाज को फिर भ्रमित करके उनके कुछ चेहरों को मंत्री बनाकर वोटों को पर डाका डालने की एक कोशिश की गई है। ये सरकार जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में जनता के मुद्दों पर विफल रही है, फर्जी आंकड़ेबाजी की है, वही स्थिति इस सरकार की। जावेद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अश्विनी जी आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं कह रहा था, जावेद जी तो मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनाया जाएगा? अरे भाई जावेद जी, आपकी सरकार जब बनी थी 2012 में तो 200 से ऊपर विधायक जीत कर आए थे, तो क्यों 40-50 को मंत्री आपने बनाया था? 200 को बना दिए होते भाई ना, कहीं कुछ रहता है, एक मंत्रिमंडल का स्वरूप होता है, मुख्यमंत्री का आपको बना देना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं उनको नहीं बनाया गया, उनको नहीं बनाया गया। अब आप अपने कुनबे को देखिए, हमारे यहाँ चार पीढ़ी तो कह रहे हैं कि लोग मंत्री हैं, विधायक हैं। आपके यहाँ कोई आम आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी में बनेगा, आप यहाँ बनेगा यादव परिवार, मुख्यमंत्री बनेगा। और हत्या पर बैठा कर किया गया माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सभागार में माइक छीन लिया अखिलेश यादव ने,
माइक छीनकर नेताजी जो इतने देश उनका सम्मान करता है उसको करने का काम किया। मुख्यमंत्री का संवैधानिक अधिकार है, इन मुख्यमंत्री जी को तो अपने मंत्रियों के चयन की भी छूट नहीं मिली, इससे बड़ा संविधान का उपहास क्या होगा। वो राजनेता है कि अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव प्रचार में नहीं उतारा कि हमसे बड़ा नेता हो जाएगा और हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो हमारे परिवार के अपील को तोड़ लिया था, किस जल से स्नान करा के पवित्र किया था, वो आरोप लगाते थे। दोनों ही मेहमानों को रोकना चाहूंगी। अश्विनी जी, जावेद जी, हम मुद्दे पे लौटते हैं। आप दोनों ने अपने मन की पूरी बात कह ली है। नवे शिखो जी, जिस तरह से अब दूसरी पारी देखने को मिल रही है योगी सरकार की, कई चुनौतियां भी होने वाली है इसमें। कौन कौन सी चुनौतियां मुख्य रूप से देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले कार्यकाल में हमने देखा कि काफी ज्यादा प्रदर्शन भी किए गए, तो वहीं रोजगार की बात भी सामने आई और मैनिफेस्टो जो कि काफी लोक लुभावन था, जिसको देख के जनता ने भरोसा जताया है, तो ये सब चुनौतियां रहने वाली है। हालांकि पहली बैठक जो करी है, पहले ही दिन जो योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी, एक सख्त निर्देश दिया है कि जनता को कोई असुविधा ना हो, हर चीज का ध्यान रखा जाए, जो सुनवाई हो बड़ी जल्दी और पारदर्शिता से हो, तो जो ये निर्देश दिए एक्शन मोड में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां कौन सी होने वाली, क्योंकि इस बार विपक्ष भी अपने कड़े तेवर दिखा रहा है, 111 सीटें लेकर आया है और सदन में भी अच्छी कार्यवाही देखने को मिलेगी। देखिए, बात तो सही है कि इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने करीब 4.25 दशक के बाद में, और ये बात मानना पड़ेगी कि यदि कोई सरकार रिपीट होती है, पूरा लगभग वही मुख्यमंत्री, वही पार्टी, वही सरकार अगर रिपीट होती है तो अति अपेक्षाएं सामने आएंगी। यानी किसी सरकार से हम जितनी उम्मीद करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा इस योगी सरकार से इसलिए उम्मीद करेंगे क्योंकि यहाँ की जनता ने दोबारा आप पर विश्वास किया। सिर्फ यही बात नहीं है, बात यह है कि जब सरकार कोई भी होती है वो आखिरी तीसरे चौथे साल में जो प्रोजेक्ट लाती है, जो योजनाएं आती है और उसका जो है वो शुरुआत करती है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो आगे पूरा प्रोजेक्ट वो नहीं पाता है। तो जो अधूरे काम इनके थे, जिसकी इन्होंने शुभारंभ किया था, जिसकी शुरुआत की थी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, फिल्म सिटी है, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनकी इन्होंने बस शुरुआत की थी, घोषणा की थी, वो सब इनको करना ही पड़ेंगे। जनता क्या है कि पूरे 5 साल इसीलिए दिए, करना होगा। एक चीज, दूसरी चीज ये कि महंगाई वाकई बहुत परेशान करने वाली है। महंगाई अगर नहीं थामी गई, टैक्सेस कम नहीं हुए, वैट कम नहीं हुआ या किसी भी तरीके से इस पर काबू नहीं किया गया, तो जनता वाकई नाराज हो जाएगी। क्योंकि जब ज्यादा प्यार होता है, ज्यादा विश्वास होता है, ज्यादा मन का रिश्ता होता है, तो नाराजगी भी ज्यादा होती है। ये दो चीजें। तीसरी चीज ये मान के चलिए कि बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बैठे हैं उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी इस बात को जैसे कैसे लपेटते वो अलग बात है। बेरोजगारी, ये सारी चुनौतियां हैं और 2 साल बाद करीब चुनाव लोकसभा का सामने, इसलिए चुनाव इस बात को मानना पड़ेगा कि भाजपा के पास बहुत ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं और बहुत ज्यादा अति अपेक्षाएं हैं। एक बात मैं बहुत देर से कहना चाह रहा हूं, मैं फिर उसी विषय पर आऊंगा, मुफ्त राशन। मुफ्त राशन को लेकर बहुत सारे उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, और मुफ्त राशन की सब लोग तारीफ करेंगे, भले ही वो पॉलिटिकल स्वार्थ से ही हो, लेकिन अगर पॉलिटिकल स्वार्थ से हम कोई जनहित का काम कर रहे हैं तो वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल, एक बात को मानना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, छोटा रोजगार भी नहीं है, और एक बात को भी मानना पड़ेगा कि उन गरीबों में, उन बेसहारा लोगों में, उन गांव और ग्रामीण जनता में दलित हैं जी, ये वो तबके हैं जो कभी भाजपा से दूर हुआ करते थे, भाजपा पर विश्वास नहीं करते थे। गरीब राशन भी एक ऐसा फैक्टर बना कि भाजपा से उनका रिश्ता बना, उनके लिए ये, हमारे आपके लिए ये बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बहुत सारे इतनी गरीब जनता है उत्तर प्रदेश की, उसके घर पे अगर राशन आ रहा है पूरे महीने, कम से कम उसकी भूख मिट सकती है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा, आप मुफ्त राशन क्यों बांट रहे हो, क्या आपको पता है? जी, मुफ्त राशन तो दे दिया, लेकिन जिस तरह से ईंधन महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए, हालांकि सिलेंडर देने की भी बात कही गई। 10 सेकंड और दीजिए, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार को इस बात का एहसास है, 5 साल योगी सरकार और 7 साल मोदी सरकार होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या में आज भी भुखमरी की नौबत है, भुखमरी की नौबत है। आपने अपने पैरों पर गरीबों को खड़ा नहीं किया है,
आपने छोटे रोजगार नहीं दिए, एमएसएमई क्या क्या हुआ? अगर एमएसएमई होती ही तो गांव में फुकबरी, आप बताओ। आपने कहा कोरोना की वजह से धंधे सब बिल्कुल बर्बाद हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। ये सब लोग कह रहे हैं कोरोना आया, महामारी आई, दुनिया में हर तरफ पीड़ा थी, हमारे देश और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ, लेकिन क्या आप उससे उबर नहीं पाए हो? क्या कोरोना का अभी भी कहर जारी है? क्या सरकार ने उन जो छोटे छोटे रोजगार उजड़े थे, जो छोटे छोटे व्यापार कोरोना से बिखर गए थे, क्या उसको पटरी पर सरकार आज तक नहीं लाई है? सरकार नहीं लाई है तभी तो राशन बांट रही है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि राशन जो बट रहा है ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है। सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं देती है, टैक्सेस से लेती है, महंगाई बढ़ाती है जी, तनख्वाहों की कटौती करती है। एक तबका तो गरीबी और बिजली महंगी होने की वजह से उसका दंश भुगते, और दूसरे तबके को आप दीजिए, दूसरे तबके को जरूर दीजिए, लेकिन मिडिल क्लास की जेब काट के कब तक देते रहोगे? और इस बात को कब तक स्वीकार करोगे? कब आप स्वीकार करोगे कि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है? गरीबी इतनी है कि भुखमरी हो जाएगी इस उत्तर प्रदेश में अगर आप राशन नहीं बांटोगे। क्यों नहीं उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पा रहे हो? सवाल ये है जी। एक सवाल और खड़ा होता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं नावेद जी। आपने कहा कि बहुत अच्छी चीज है कि मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, आज ये सही है क्योंकि कोरोना काल है, इस वक्त कोरोना का जो प्रकोप देश दुनिया ने झेला उसकी वजह से ये काफी अहम भी है, जरूरी भी है, लेकिन अगर इसी तरह से कंटिन्यू मुफ्त राशन दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा, तो जनता आदी भी हो जाएगी, इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि दुष्परिणाम को भी रोकना है, रोजगार भी देना है, मुफ्त राशन भी जनता को देना है, और मुफ्त राशन मिलता रहेगा तो जनता आदी हो जाएगी। जब राशन और सुरक्षा शिक्षा दो अहम चीज जनता को चाहिए, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, अगर तीनों चीज बैलेंस में नहीं रहेगी तो देश जो भले ही राज्य देश नहीं राज्य खासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट देखने को मिलेगा। संतुलन बनाना पड़ेगा। सरकार का मतलब सरकार हम इसीलिए चुनते हैं कि वो हमसे ज्यादा विवेक होता है उसका, और उसके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके पास नीतियां होती हैं। इस समय तीन पैनलिस्ट आपके साथ बैठे हुए, यदि आप एक पैनलिस्ट को खाली समय दोगी तो ये आपकी अनुभवहीनता होगी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार केवल मुफ्त राशन देगी और मिडिल क्लास का बिजली सस्ता नहीं करेगी, जो बच्चे मिडिल क्लास के बच्चों की स्कूल की फीस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इतनी महंगी हो गई है फीस, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उधर भी देखना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी योगी सरकार से उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। इस तरीके से खाली सिर्फ 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 और सिर्फ मुफ्त राशन से लगातार वोट नहीं मिलेंगे। आप सारे तबकों का ध्यान और उत्तर प्रदेश की और देश की आर्थिक जो ढांचा है संतुलित बनाइए, नहीं तो विस्फोटक हो जाएगा। अगर सिर्फ विस्फोटक हो जाएगा, आप बताओ कि संतुलन होता है? आर्थिक जो एक नीति होती है, जो खजाना होता है, वो अगर आप एक तरफ बांटते रहोगे और दूसरी तरफ से खींचते रहोगे तो जिसे खींचोगे फिर वो फकीर हो जाएगा। बिल्कुल, फिर वो जब ये जो सरकारी सुविधाएं दी जा रही है जब बंद करा जाएगा तब भी जनता आक्रोशित होगी, तो सरकार के लिए उस वक्त खतरा होगा। अश्विनी जी, ये जो योजनाएं तो सरकार ला रही है, और लगातार कहा गया कि कोरोना काल की वजह से सिर्फ हम 3 ही साल काम कर पाए, 2 साल हम काम नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ा है। रोजगार तो कहीं ना कहीं सरकार ने कहा है, दस्तावेजों में देखने को मिला कि हाँ 4 लाख 4.5 लाख रोजगार दिए, लेकिन जनता ने प्रदर्शन भी किया, बहुत कुछ देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में 5 साल में। कोरोना काल का भी असर पड़ा, कोरोना काल हम लोगों ने भी देखा, सरकार पे भी असर पड़ा, अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ा, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका असर खत्म हो रहा है। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए शिखा जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है बहुत काम किए। इसके पहले एक बीमारू राज्य को बेहतर राज्य बनाने में 3 साल में ही, जो 2 साल काम करने को नहीं मिला, हम 3 साल में ही अर्थव्यवस्था को 6ठे नंबर से 2रे नंबर पर ले आए, पर कैपिटल इनकम को दुगना किया हमने। लेकिन जो ये 2 साल कोरोना काल में बेरोजगारी, मानते हैं ये तो वैश्विक बढ़ी है तो यहाँ भी बढ़ी है, लेकिन उसमें भी हमने काम किया। जो प्रवासी मजदूर आए हमारे यहाँ उनकी स्किल मैपिंग कराई और उनको ODOP MSME में जहां हो सकता था उनको रोजगार देने का काम किया। 1,81,00,000 से ऊपर व्यक्तियों को जो है रोजगार में समायोजित किया गया था, सरकारी नौकरियां और संविदा पर नौकरियां छोड़ दीजिए। तो उत्तर प्रदेश चूंकि एक बहुत बड़ा राज्य है, फिर भी बहुत लोग अभी हमारे भाई छूटे हुए हैं। अभी सरकार बनी नहीं है, कल अभी शपथ ग्रहण हुआ है, लेकिन इसके पहले
पुलिस की भर्तियां और शिक्षकों की भर्तियों पर काम चालू हो चुका है, तो जो पीछे की बैकलॉग की भर्तियां हैं वो निरंतर चल रही हैं, उसमें कहीं भी रुकावट नहीं आई है। और सरकार तो अब कल से अभी मंत्रिमंडल भी नहीं बटा है, और इसको आप जावेद भाई और हमारे जो है नावेद सिको साहब दोनों जानते होंगे कि किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है। तो ये अनवरत, और शिक्षकों में तो ये था कि पद ज्यादा है इसलिए उतना अभी न निकालकर और ज्यादा पद निकाले जाए इसलिए उसको भी फिर से किया जा रहा है। तो सिखाजी रोजगार अभी नावेद जी ने कहा संतुलन बनाना सरकार का काम है, एकदम सही चीज कहा उन्होंने, संतुलन बनाकर ही सरकार चलती है। अगर हम राशन दे रहे हैं तो हमको अपनी जनता को ऐसा नहीं है कि हमको मुफ्तखोर बनाना है, उनको हम रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराएंगे, उनको हम जो ये गैस, और देखिए महंगाई एक मुद्दा है और महंगाई मुद्दा आज नहीं पनपा है, ये बहुत पुराना मुद्दा है, इस पर तो कई सिनेमा भी बन चुका है, कई फिल्मों के गाने आ चुके हैं, हाय हाय रे महंगाई, तब तो जावेद भाई की सरकार, जावेद भाई उस पार्टी में हुआ करते थे, उसकी सरकार होती थी। तो ये महंगाई हर चुनाव का मुद्दा होता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता, आज देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों से तेल डीजल का दाम और बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो उस पर भाड़े पर असर पड़ेगा, महंगाई पर असर पड़ेगा। लेकिन सरकार को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए ना, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरह से चीजें बैलेंस करे। शिखा जी मैं वही तो कह रहा हूँ, तो सरकार की जिम्मेदारी तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा नावेद भाई की और जावेद भाई की नहीं कही किन लोग जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार जा रही है, आम जनता चुनाव के पहले से ही कह रही थी कि महंगाई बढ़ेगी, चुनाव के बाद विपक्ष भी कह रहा था और सब इंतजार भी कर रहे थे कि आखिर पेट्रोल डीजल के जो चार महीने से दाम बढ़े नहीं वो कब बढ़ेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण के पहले बढ़ गए। आखिर शिखा जी जी ये जनता जो है आखिर कौन है जो कह रही थी कि महंगाई बढ़ेगी, और वो कौन सी भविष्य दृष्टा हो गई है कि जब महंगाई बढ़ेगी? अरे हर बार होता है, विपक्ष भी कह रहा था, बिल्कुल कह रहा था, सभी कह रहे थे। विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष क्यों नहीं कहेगा, हम लोग विपक्ष में थे तो हम लोग आंदोलन नहीं करते थे महंगाई के खिलाफ? सरकारें एनडीए की हुआ करती थी तो हम भी तो आंदोलन करते थे उस समय। 200 रुपए किलो दाल खरीदने वाले शिखा जी, आपने खरीदा है कि नहीं खरीदा मुझे नहीं पता, 200 रुपए किलो दाल चने अरहर की दाल बिकती थी, और 1241 रुपए अभी भी गूगल खोल कर देख लीजिए, 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपए का सिलेंडर बिकता था। तो महंगाई तो तब भी थी, हाँ आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये एक है, लेकिन इस पर सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? सरकार देखिए कहीं जमाखोरी ना होने पाए, कहीं और चीजें ना, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा, तो चीजें थोड़ी महंगी होंगी, तो उसको सरकार, अभी देखिए कुछ दिन पहले सभी राज्यों ने टैक्स घटाया, उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक घटाया, तो हम लोग डीजल पेट्रोल के दाम को कुछ कम कर ले गए। लेकिन अब इस समय जो युद्ध चल रहा है, युद्ध के उसमें कई जगहों पर वैश्विक चीजें बनी हुई हैं, तो महंगाई पर कम करने का भारत सरकार भी पूरा प्रयत्न कर रही है, और इस पर हम ये चाहते हैं कि ये एक सीमा से ऊपर न बढ़े, जिससे कि हमारी जनता को राहत रहे, और उसके लिए तो ये तो वक्त प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कितना राहत देती है। जावेद जी आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और अखिलेश यादव ने भी मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है लगातार, जिस तरह से पहले दिन और दूसरे दिन तेल के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर का जब दाम बढ़ा तो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, किस तरह से देख रहे हैं? आखिर मुख्य विपक्षी पार्टी है, इस मुद्दे को उठाना आपकी जिम्मेदारी है, उठा रहे हैं, क्या 5 साल आपकी यही जिम्मेदारी रहने वाली है, और कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे? देखिए जो भी जनता से जुड़े सवाल होंगे, जो मुद्दे होंगे, उस पर तो विपक्ष बात करेगा ही, और इस पर ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अब स्थितियां ये है, देखिए जब मोदी जी ने इस देश की सत्ता को संभालने का काम किया तो उन्होंने क्या क्या वादे किए थे कि सब्सिडी खत्म करना है और सब्सिडी खत्म करके देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज लगभग लगभग सभी सब्सिडियां खत्म होती जा रही है, महंगाई बढ़ने पे अश्विनी जी ने अपना पक्ष तो रख दिया है, क्या आप उससे नहीं, नहीं, मैं उसी सहमत बात है? मैं शिखा जी उसी बात पर आ रहा हूँ। देखिए इस देश को अब अल्पकालिक आर्थिक नीतियां नहीं चाहिए, इस देश को दीर्घकालिक आर्थिक नीतियां चाहिए, और वो ना नीति आयोग ठीक से उस पर काम कर पाया, ना रिजर्व बैंक काम कर पाया। देश की स्थितियां क्या है, किन स्थितियों में लोगों को उबारने का काम किया जाए, जो दीर्घकालिक आर्थिक नीति हो हमारी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी विश्व के तमाम बड़े अर्थशास्त्रियों में एक है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य है, वो लगातार 4 साल से मैं उनको सुन रहा हूँ, कह रहे हैं कि इस सरकार में आर्थिक नीतियों की समझ ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, आरबीआई और नीति आयोग इसमें पूरी तरीके से विफल रहा है। तो देखिये आप
कहीं पर भी जनता को समझे हुए जमीन को देखे बिना क्या जन्म देश की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, देश को किस आर्थिक रास्ते पर चलना चाहिए, जब तक इसकी समझ सरकारों में, वो कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अश्वनी जी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर इसकी समझ नहीं होगी तो वो राष्ट्र जो है आर्थिक रूप से हमेशा तंगी में रहेगा, वो कर्जदार होता रहेगा, उसको देश चलाने के लिए बाहर से कर उठाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, यही तो कारण। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश फटे से दूसरे पायदान पर चला गया अर्थव्यवस्था में, उत्तर प्रदेश में एक उद्योग नहीं लगा, एक बड़ा उद्योग नहीं लगा और हम चले गए। ये आंकड़ेबाजी है, जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के हाथ खाली हो चुके, उनके पास आर्थिक नीतियों को बनाने बिगाड़ने का कोई अवसर नहीं रह गया है, वो सब केंद्र सरकार के हाथ में जा चुका है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण जब होता है, जब नीतियों का विकेंद्रीकरण होता है, तो उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जाता है, और कोई भी व्यवस्था जब होती है वो केंद्रीकृत कर दी जाती है। बिल्कुल जावे जी, हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। सुन लीजिए पास सेकंड में, कि सरकार का काम चलाने के लिए सरकारी मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को भी बेचना पड़ता है, और कंपनियों के खरीदार न होने पर सरकार को यहाँ तक गिरना पड़ा है कि आप कंपनी खरीद लीजिए, हम पैसे की भी व्यवस्था आपको कर देंगे, हमारी कंपनी हमारा पैसा और मालिक कोई दूसरा होता जा रहा है, हमें इन नीतियों से उबरना पड़ेगा। वो किसी सरकार की योजना रही हो, कोई सरकार उसको क्रियान्वित कर रही हो, ये देश के लिए घातक है, आज नहीं कल इस देश को घनारत बनाइए, इस देश को अफ्रीकन देशों में मत शुमार करिए कि देश में लूट मच जाए, देश में हाहाकार मच जाए। ये अभी ये आपने सही कहा, बिल्कुल जावेद जी, हर एक मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत भी सरकार को, हमारे पास समय की कमी है जावेद जी। जी प्रयास करना होगा जी, बिल्कुल। नावेद जी, आपसे फाइनल क्वेश्चन, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कई बड़े चेहरों को हटा दिया गया है और एक सख्त संदेश दिया गया है कि जो काम नहीं करेगा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जनता के लिए सरकार बनी और जनता के लिए काम करना होगा, तो आने वाले 5 सालों में क्या मंत्री अपने रवैये को बदलेंगे, क्या जनता के लिए काम करेंगे, और जिस तरह से जो आगे के लिए, भविष्य के लिए या फिर 24 के चुनाव के लिए नींव रखी जा रही है, तो उसको देखते हुए काम किया जाएगा, 5 साल कैसा रहने वाला है, सरकार को क्या संदेश देंगे आप? जी, उम्मीद और आशाएं हम सबको कि ये सरकार बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि इसके पास बहुत ताकत है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी, नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई नेता जो है उनकी छत्रछाया में ये मंत्रिमंडल तैयार हुआ है, तो बहुत अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा कार्यकाल है वो बहुत अच्छा करेगा, और सारे मंत्री पहले की तरह घर पर नहीं बैठेंगे, जितना भाजपा के लोग खुद आरोप लगाते हैं, तो जनता के बीच जाएंगे और जनता के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाएंगे, जनता के सुख दुख में साथ देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से अश्विनी शाही जी, सपा से प्रवक्ता जावेद अहमद जी, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ नावेद शिको जी जुड़े थे। तो हमने चर्चा करी आज वीकेंड चर्चा में कि जो 5 साल रहने वाली है योगी सरकार का, जो दूसरा कार्यकाल होने वाला है, उसमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, कौन कौन सी चुनौतियां रहने वाली हैं, और जिस तरह से 5 साल का कार्यकाल रहा, 2 साल कोरोना में बीत गया, जो काम नहीं कर पाए उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तमाम चीजों पर चर्चा की। और हम भी सरकार से यही अपील करेंगे कि जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है या फिर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर जरूर ध्यान दें। फिलहाल इस वीकेंड चर्चा में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।